तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो संक्रमण तत्वों के गुण अपन पढ़ रहे हैं उसमें अगला टॉपिक है अपना ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको शॉर्ट में अपन OS बोलेंगे वीडियो में बार बार। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टर्म लिखी होगी कि जो संक्रमण तत्व हैं ये परिवर्ती या वेरिएबल ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म थोड़ा आप याद रखना, अपन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर इनका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अपन इसकी परिभाषा देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन यहाँ पे दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया हूँ, ठीक है, टाइटेनियम डाइक्लोराइड का, और दूसरा एग्जाम्पल मैं यहीं पर ले लेता हूँ Mn2O7 का। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा कैसी है। मान लो टाइटेनियम को क्लोरीन से जोड़ना है, ठीक है, तो क्लोरीन से जोड़ने के लिए, ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और यहाँ पे ये बना लेगा टाइटेनियम 2+ आयन, और यहाँ पे क्लोरीन को दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये 2Cl- बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो विपरीत आयन बने हैं ये आपस में योग करके ये बना ले रहे हैं टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो यहाँ पे टाइटेनियम ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, क्या बोल सकते हैं कि टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये कितनी हो जाएगी, +2। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +2। तो कोई एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जुड़ने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज है, ठीक है, तो मैग्नीज को ऑक्सीजन से जुड़ना है, तो मैग्नीज को ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 7 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है, और साझा करके इससे जुड़ जाता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +7। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई एक तत्व, ठीक है, कोई दूसरे तत्व से जुड़ने के लिए, दूसरे तत्व से जुड़ने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, या जितने इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लें, साझा कर लें, वह उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रॉन त्याग की बात करें तो टाइटेनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को बंध बनाने के लिए त्याग दिया, या मैग्नीज ने ऑक्सीजन से बंध बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कुछ इस प्रकार हो गई, +2 और +7। अब बात आती है बच्चों परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। देखो ये जो टर्म है संक्रमण तत्व के केस में, जैसे मान लो एक तत्व, यहाँ पे हम मैग्नीज ही ले लें, तो मैग्नीज क्या करता है, ये बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है, ठीक है, +4 भी दर्शाता है, +5 भी दर्शाता है, +6 भी दर्शाता है, और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। तो एक ही तत्व का कोई परमाणु, एक ही तत्व का परमाणु जब इतनी सारी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए, ठीक है, इतनी सारी जब ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए तो हम कहते हैं कि ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, ठीक है, या वेरिएबल या बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये तत्व किसी कौन से दूसरे तत्व से जुड़ के यौगिक बना रहा है या उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शा सकता है। ठीक है, तो एक तत्व द्वारा इतनी सारी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने को हम बोलते हैं कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसका कारण देखते हैं कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शा सकता है। यहाँ पे हम कारण को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम एग्जांपल मैग्नीज का ही ले लें, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 25, अर्थात इसके जो 3D उपकोष है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे इस प्रकार भर देते हैं, और इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम इनको भी इस प्रकार भर देते हैं। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे देखो जो इसका आंतरिक कोष है, ठीक है, आंतरिक कोष कौन सा है, N-1D उपकोष, और बाह्यतम कोष कौन सा है, NS उपकोष। इन दोनों की जो ऊर्जा है, संयोजी कोष और आंतरिक कोष, इन दोनों की ऊर्जा लगभग इक्वल है, बराबर है, इसकी एनर्जी में कोई अंतर नहीं है, या बहुत स्लाइटली या थोड़ा सा अंतर है। तो इतने कम ऊर्जा में अंतर होने के कारण
जब बंध बनाने की बात आती है तो ये दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। ठीक है, बाह्यतम संयोजी कोष भी और आंतरिक कोष भी। तो बच्चों इन दोनों की एनर्जी हो गई सेम, ठीक है, किसकी किसकी, संयोजी कोष और आंतरिक कोष की लगभग एनर्जी सेम हो गई। तो जब यहाँ पे बंध बनाने की या किसी दूसरे यौगिक, दूसरे तत्व से जोड़ने की या दूसरे परमाणु से जोड़ने की बारी आएगी तो ये दोनों आंतरिक कोष और संयोजी कोष अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतनी ऑक्सीकरण अवस्था अपने को प्राप्त हो जाएगी। मान लो ये संयोजी कोष के सिर्फ इलेक्ट्रॉन गए दो, यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। फिर क्रमशः जब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते जाएंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था भी हमको क्या हो जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी देखने को प्राप्त हो जाएंगी। क्यों? कारण एक ही है, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज़ की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे प्लस सात तक अपने को देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कि वो किस परमाणु से जुड़ रहा है। ठीक है, यदि फ्लोरीन या ऑक्सीजन जैसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ेगा तो ये प्लस सेवन तक ऑक्सीकरण अवस्था अपनी दर्शा सकता है। ठीक है, जिसको अपन आगे अध्ययन करेंगे अभी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन 3D श्रेणी के बारे में। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन यहाँ पे 3D श्रेणी के तत्व ले लिए हैं, यहाँ पे स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, अब मान लो अपन स्कैंडियम की बात करें, परमाणु क्रमांक 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को पता है 3D1 4S2 होता है। ठीक है, तो अपन ने इस प्रकार यहाँ पे लिख भी लिए हैं। ठीक है, यदि ये क्या करे, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दान करे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस थ्री होती है। यहाँ पे ये प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा सकता था लेकिन नहीं दर्शाता। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे इसके 4s के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अनस्टेबल या अस्थायी हो जाता है। कौन सा? 3D1 में जो पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो भी साथ ही साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे बंध बनाने में उपयोग हो जाता है। इसलिए इसकी जो एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था है प्लस तीन है, इसकी स्कैंडियम की, ये एक IMP है, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात करें टाइटेनियम की। यदि टाइटेनियम 4s में पड़े इलेक्ट्रॉन को दान करता है, ठीक है, बंध बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था देगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन को और देगा तो यहाँ पे प्लस थ्री और प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में, ठीक है, मतलब आपको जो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे दी है, ठीक है, ये स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं, जिनको मैंने हाईलाइटर द्वारा हाईलाइट कर दिया हूँ। मतलब ये स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था रहेंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी रहेगी टाइटेनियम की। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टाइटेनियम डाइक्लोराइड और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड दोनों ले लें, तो यहाँ पे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ज़्यादा स्थायी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी रहेगी, प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे देखो वैनेडियम, वैनेडियम के केस में भी देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा, यहाँ पे पाँच, तो प्लस पाँच तक ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, प्लस टू से लेके प्लस पाँच तक। ठीक है, बात आती है क्रोमियम, क्रोमियम के 4s में, ठीक है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ठीक है, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका, तो ये प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाएगा। उसके बाद ये पूरे इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पे छः इलेक्ट्रॉन है, यदि ये जाएगा तो यहाँ पे प्लस सिक्स तक ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे यदि आप देखो तो श्रेणी के मध्य में क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज़ तक क्रमशः बढ़ती है, जो अपन ने अभी देखें प्लस सेवन में एग्जांपल, फिर क्रमशः क्या होती जाती हैं, घटते जाती हैं। ठीक है, तो श्रेणी के मध्य में ऑक्सीकरण अवस्था बहुत सारी रहेंगी, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगी। जिंक में ओनली एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है, प्लस टू। ठीक है, तो ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था का क्रम है। ठीक है, इसी प्रकार कॉपर में भी आप देख सकते हो प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था भी रहेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था है, ये दो तत्व देते हैं, ठीक है, कॉपर और क्रोमियम। ठीक है, लेकिन ये इतनी स्टेबल नहीं रहती, इसका भी अपन अगले अध्ययन देखेंगे अभी। ठीक है, प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था स्कैंडियम को छोड़कर सभी देते हैं। ठीक है, स्कैंडियम को छोड़कर सभी देंगे जिंक तक। ठीक है, फिर प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्था सिर्फ मैग्नीज़ की रहेगी और फिर क्रमशः कम होते जाएगी। ठीक है, ये हो मैग्नीज तक क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर बढ़ जाती है, कितनी हो गई यहाँ पर प्लस सेवन तक हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद क्रम से घटते जाती है। तो ये घटना क्यों होता है, इसको भी अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अब पेयरिंग होने लगती है। ठीक है, मैग्नीज तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती, आयरन से क्या होती है, डी कक्षक डी ओपकोष में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ने लगती है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अब बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों को साझा नहीं करते, क्योंकि वो उपकोष कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। पूर्ण पूरी तो उपकोष कैसा हो गया, स्थायी हो गया, अब उसको बंध बनाने में उतनी रुचि उसकी
बची नहीं है तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर या दान नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे आयरन है, आयरन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के बाद इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो चार बचे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन बचे हैं और यहाँ पे हम यदि देखें 4s में दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के लिए दान कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये दान करेंगे तो अधिकतम 4 और 2 6 ऑक्सीकरण अवस्था तक ये दर्शा सकते हैं, ठीक है। चूंकि आयरन की जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है ये फेरस और फेरिक +2 और +3 ही होती है, ठीक है। किसी विशेष कंडीशन में ये अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी दान कर सकते हैं या साझा कर सकते हैं, पर नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाते जाते हैं श्रेणी में, तो ऑक्सीकरण अवस्था का जो मान है वो घटता जाता है। जिंक के कर्ता सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन ही दान करता है और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। ये भरे हुए पूर्ण उपकोष से कोई भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नहीं देगा, ठीक है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का सिर्फ एक मान रहेगा, वो +2 ही रहेगा। अच्छा, एक और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लेना, यदि कोई तत्व +2 और +3 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, ठीक है, +2 और +3 तक, इसका मतलब है वो आयनिक बंध ही बनाएगा या लगभग आयनिक बंध रहेगा, ठीक है। जो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था रहेंगी, ठीक है, +4 से लेकर +7 तक, ठीक है, इनमें आयनिक बंध लगभग नहीं पाए जाते, यहाँ पे जो बंध है वो सहसंयोजी प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, यदि टाइटेनियम यहाँ पे क्लोराइड बने तो ये एक आयनिक बंध है, पर यदि मैग्नीज का करें उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में जाए MnO4- तो यहाँ पे Mn और ऑक्सीजन के बीच में जो चार बंध हैं यहाँ पे, ये सहसंयोजी प्रकार के हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो कॉपर है, हम ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कॉपर क्या करता है, दो प्रकार के यहाँ पे अपने ये दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। एक तो करेगा Cu+, और दूसरा यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन जाए और यहाँ पे यदि इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए इसको मिलाकर, तो यहाँ पे ये Cu++ ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। लेकिन क्या होता है, यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो Cu+ है, कॉपर की जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये ज़्यादा स्थायी होना चाहिए, क्योंकि संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे स्थायी या पूर्ण पूरी अभिविन्यास हमको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे Cu2+ जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये ज़्यादा स्थायी होती है, ठीक है। तो इसका अपन एक कारण देख लेते हैं, ऐसा होता क्यों है। देखो होता क्या है, यहाँ पे जब कॉपर अपना +1 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसको यदि एक इलेक्ट्रॉन मिले तो ये अपचयित हो जाता है, और जो अपचयित होकर ये बनाएगा क्या, कॉपर। और यहाँ पे जो इसका अपचयन विभव है, ठीक है, मानक अपचयन विभव E0 बराबर होता है +0.52 वोल्ट। इसी प्रकार यदि ये दो इलेक्ट्रॉन ले और यहाँ पे कॉपर में चेंज हो तो इसका जो E0 है, ठीक, मानक अपचयन विभव ये होता है +0.34 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि जिस का मानक अपचयन विभव या E0 में जो धनात्मक वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है, इसका मतलब है वो उतना इजीली अपचयित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर है उतना इजीली अपचयित हो जाएगा, जल्दी अपचयित हो जाएगा, और किस में बदल जाएगा, कॉपर में। अर्थात यहाँ पे जो Cu+ जो अवस्था है वो लेस स्टेबल हो गई। कैसी हो गई, लेस स्टेबल, क्योंकि ये जल्दी स्टेबल हो जाएगा, इसका मानक अपचयन विभव का मान ज़्यादा है, और यहाँ पे कॉपर है, इसका मानक अपचयन विभव का मान कम है। तो ये कॉपर प्लस की तुलना में जो Cu2+ है ये लेट अपचयित होगा, अर्थात ये थोड़ा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेबल होगा, इसलिए क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यदि हम क्या करें, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएं, ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे समूह 8 की बात करें, समूह 8 में जो आता है सबसे पहले आयरन आता है, आयरन के नीचे आता है, ठीक है, Ru, और फिर आता है ऑस्मियम, ठीक है। तो यहाँ पे रुथेनियम और ऑस्मियम, यदि हम यहाँ पे देखें समूह में ऊपर से नीचे जाएं, तो जो आयरन है वो यहाँ पे +2 से लेकर +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, लेकिन यहाँ पे रुथेनियम +8 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है +2 से लेके। इसी प्रकार ऑस्मियम भी +2 से लेकर +8 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था के जो मान हैं वो कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते तर ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे मान लो कोई अपनी उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में है, जैसे मैग्नीज है, इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 रहेगी,
यदि क्रोमियम है तो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 तक रहेगी। ठीक है, तो जो इनकी जो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था है, जैसे आयरन है, आयरन की उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। ठीक है, तो इनकी जो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगी फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे ऋण विद्युती तत्व के साथ। ठीक है, यदि ये इन तत्वों के साथ कोई यौगिक बनाएंगे तभी अपनी उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में जाएंगे। ठीक है, नहीं तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी वो +2 +3 तक ही रहती है और इन्हीं में वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पे ये यदि बंद बना ले किसके साथ, CrF6 के साथ या CrF5 के साथ, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इसकी +5 और +6, अर्थात इन्हें 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया है। ठीक है, तो इनकी उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था इस प्रकार होगी, या फिर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए और बना ले यहाँ पे क्या बना ले, CrO3, तब भी ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है। ठीक है, अन्यथा ये नहीं जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पे मैग्नीज की, तो मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मिलती है। ठीक है, फ्लोरीन के साथ नहीं मिलती, क्योंकि ये क्या कर सकता है, जो ऑक्सीजन पर है वो डबल बंद के निर्माण में भाग ले सकता है, डबल बंद बना सकता है, इसलिए Mn2O7। ठीक है, Mn O4-, जैसे जो यौगिक हैं सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, जहाँ पे जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी रहेगी, +7, क्योंकि यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। यदि बच्चों यहाँ पे जो संक्रमण तत्व हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे संक्रमण तत्व, यदि मान लो कोई लिगेंड जैसे कार्बोनिल है या नाइट्रोसिल है, इनके साथ यदि जुड़े तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी केंद्रीय धातु परमाणु की वो 0 रहेगी या अधिकतम +1 हो सकती है। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो यहाँ पे निकेल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, यहाँ पे यदि टेट्रा कार्बोनिल में देखें तो इसकी निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, जैसे आयरन है, आयरन यदि कार्बोनिल के साथ जुड़ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, और क्रोमियम है, क्रोमियम में यदि कार्बोनिल के साथ जुड़ जाए तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कैसी रहेगी बच्चों, यहाँ पे 0 ही प्राप्त होगी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इसके खाली रिक्त कक्षकों में जाके जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 0 ही प्राप्त होती है।